बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। तमाम सुनने वाले नाज़रीन पूरी दुनिया में जहां भी सुन रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद आज बात करेंगे, लोग अमूमन पूछ रहे होते हैं कि वज़ाइफ के हवाले से, अभी तक मुझे लगता है कि कोई आप लोगों को ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहा मैं, तो एक कोशिश है कि ये समझ लें कि सबसे पहले हम इसमें फाउंडेशन की बात करेंगे कि एक्चुअली वज़ाइफ काम कैसे करते हैं, फिर इसमें उसकी बुनियाद क्या क्या दुरुस्त होनी चाहिए, कब वो बेहतरीन अंदाज में काम करते हैं और कब नहीं करते। तो सबसे पहले तो एक बात जहन में रख लें कि कोई भी अमल नमाज के बगैर काबिल कबूल नहीं। इस्लाम में कोई भी अमल नमाज के बगैर काबिल कबूल नहीं। और ये जो फरमान है, ये जो फरमान मुबारक है, ये मौला अली की तरफ से है। तो अब आप समझ लें, बाबुल इल्म अगर कुछ फरमा रहे हैं तो उसके पीछे ज़ाहरी बात है वो नबूवत की पूरा अर्क आपको दे रहे हैं, जो ज़ाहरी बात है उनकी तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और जो इल्म उनके जरिए उनको आया, तो उसका वो मैं समझता हूँ कि एक प्योर जूस उन्होंने दिया। तो आप बाकी रावियों की या बाकी लोगों की तो मैं समझता हूँ कि रिवायात या बातों को सही या गलत के चक्कर में नाप तोल सकते हैं, सही ज़ईफ वो तो रिवायत को चेक हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर मौला अली का नाम आ जाए तो एक दफ़ा जैसे कहते हैं ना कि उसकी अथेंटिसिटी और उस पर ज़रा गौर कर लिया करें कि वो बात इग्नोरेबल नहीं है। वैसे तो आप सुन्नत के नाम पे कई चीज़ें छोड़े फिरते हैं, ये चलो सुन्नत ही है ना, तो यही मुझे लगता है कि आपका सुन्नतों का छोड़ना ही आपको फ़राइज़ से दूर कर देता है। और सबसे ज़रूरी हमारी इस बात का है कि नमाज अव्वल वक्त में पढ़ी जाए। अव्वल वक्त का मतलब ये नहीं होता कि मौलवी साहब जो अजान दें, मौलवी साहब तो आजकल मेरा ख्याल है 2 बजे 2:30 बजे तक जुमे करा रहे हैं, हालांकि 12:15 जब जोहर का वक्त हो गया ये अव्वल वक्त शुरू है, गूगल में आ गया, अब आपको खड़े हो जाना चाहिए। तो अमूमन जो वज़ाइफ कर रहे हो हजरात, सबसे पहले तो उनके लिए मैं कुछ थोड़ी सी फाउंडेशन बता दूँ। एक तो जिस्म की सफाई बुनियादी शर्त है। जिस्म की सफाई में मैं समझता हूँ कि आपकी बॉडी के जो हेयर रिमूव हैं वो twice-thrice a week पे होने चाहिए, और ये जो 14 दिन की रखी हुई है और बातें ये सारी बस इनको इग्नोर कर दें। अगर कोई वाकई आप चाहते हैं कि सलामती के दिन का मज़ा लेना, तो इसको twice or thrice a week पे मर्द और दोनों ले आए। उसके बाद जो खुशबू का इस्तेमाल है वो आपको इस तरीके से करना है कि जैसे बड़ा एहतमाम करना है कि कलाइयों पे बैठ के 10 मिनट कोई अच्छी अरेबिक स्मेल हो, ऑयल बेस्ड कोई भी हो, आजकल तो ब्रांड्स की भी मिल रही हैं, तो उनको आप अच्छे से मसलते रहें, यहाँ तक कि गर्दन और इसमें मसल के टारगेट ये हो कि खून में जज्ब हो जाए। उसके बाद आपका जो नाक और कान में जैतून का तेल लगाने की आदत डाल लें, वीकली एक मसाज की आदत डाल लें। उसके बाद यह था कि यह फाउंडेशन आपकी हिफाजत की एक शील बन गई। अब इसके बाद आप बावजूद होके खुदा सबसे पहले, आप जब भी जिंदगी में कभी कोई वजीफा या कोई शुरू करें उससे पहले इस बात को यकीनी बना लें कि जनाब ये नहीं कि हम नजर का पर्दा तोड़े हुए हों, नजर का पर्दा उसकी बुनियादी शर्त होगी। कभी भी याद रखिएगा, नजर के पर्दे में अल्लाह ताला ने लज्जत इबादत रखी है। अमूमन मुझे फोन आते हैं कि जी हमारे हमजा अब बात नहीं कर रहे या हमारे कोई अमलियात में अब रहनुमाई फरमाए, तो उसकी बुनियाद समझ लें कि लज्जत इबादत मर्द हो या औरत नज़र के पर्दे में। ये नहीं इधर आप टीवी ड्रामे और आजकल तो ये मोबाइल पे हम सारा दिन क्या देख रहे हैं यही सब है, तो उसमें आप नज़र के पर्दे का ख्याल ना करें और फिर आप जो है लज्जत इबादत भी ढूंढें तो ये नहीं हो सकता। तो वजीफे की या किसी भी इबादत की बुनियादी शर्त जिस्म की सफाई हो गई, आधा ईमान का आ गया, वो हमने पूरा कर लिया कि आधे से ऊपर की बात अब कर रहे हैं। उस आधे से ऊपर जो है वो अब आपकी नज़र का पर्दा सबसे पहली शर्त होगा। उसके बाद खुदा का आपके जहन में होना दूसरी शर्त होगा कि अब खुदा ताला का हुक्म आपके हर वक्त आपका कोई अमल है, मिसाल के तौर पर आपका लेन देन, आपका मामला, आपकी बीवी, आपकी माँ, बहन, भाई, मोहल्ला, मुआशरा, हर कोई आपके जहन में सबसे पहले एक्शन का रिएक्शन देते वक्त ये ख्याल होना चाहिए कि ये मेरे खुदा के हुक्म के मुताबिक है या नहीं। अब इस लेवल से जब आप आगे आते हैं,
फिर एक वो लेवल है जहां हम समझते हैं कि सदकात, खैरात और सखावत दिखानी चाहिए। सखावत बजात खुद एक बहुत बड़ा वस्त है, मैं समझता हूँ कि इसकी इसकी हया और इसकी जो जैसे कहते हैं ना कि ख्याल रखने का, रसूलुल्लाह ने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने भी हुक्म दिया कि जब हातिम ताई की बेटी दरबार में लाई गई एक दफ़ा गुलाम कैदी बन के, तो आपने कहा इसको दुपट्टा दो, ये इसका बाप सखी था, तो उसका एजाज करना सखावत का, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंस्पिरेशन दी है। तो अब तीसरे लेवल पे आपकी होनी चाहिए कि आप एक तो सिला रहमी के रिश्ते, या माँ बाप की नाफरमानी, या जिसका जो हक है वो गर्दन पे नावा, अब आपका किसी भी हकूकुल इबाद वाले का हक आपकी गर्दन पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगले लेवल पे आप आएंगे, उसके बाद आप अगले लेवल पे आएंगे, अब आपकी गर्दन हकूक से खाली है, मतलब आपकी गर्दन पे किसी का हक नहीं है, खुदा आपके जहन में है। अब आप बावजूद हो के जब एक आयत को, जब एक उसको रिपीटिवली करेंगे, तो ये ऐसे ही है जैसे आपने गाड़ी पे आपके जो, मतलब कई दफ़ा आपने देखा है मार्केट में कुछ लोग चिमट ही जाते हैं और आप फिर उनको पैसा दे के जान छुड़ाते हैं, तो बिल्कुल सेम आपके जहन में उस सवाली की फीलिंग होनी चाहिए कि अब मैं खुदा की, जैसे कहते हैं ना, लाड रख गया हूँ मैं उसमें, जैसे वास्ते दे दे के चिमट जाना और फिर ले के छोड़ना। और इसमें कोई आप अपने आप की बड़ाई ना समझें, इसमें कोई ऐप वाली बात नहीं है, ये खुदा ताला को पसंद है इंसान का मांगना, बल्कि ना मांगने को तकब्बुर में शुमार किया गया और नापसंदीदा अमल है। हर वक्त मांगते रहना ही इबादत है खुदा को, हर वक्त, मतलब इवन के जूते का तस्मा भी टूट जाए तो मुझसे मांगो। तो ये जो बात है ना, इसको हम तो दूसरे एंगल्स में ले जाते हैं कि वसीलों को छोड़ के डायरेक्ट कुंडे डालने की कोशिश करते हैं, हालांकि मकसद फिर उन्हीं के वसीले ही हैं। खुदा ने भी उनके बगैर आपको अगर डायरेक्ट करना होता तो आपको खुद ही ना इलवा कर देता, आपके दिलों पे आपको ख्वाबों में मुलाकातें होने लगती, आप ही के नफ्स, जैसे कहते हैं जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। आज उसको भी चले बातों बातों में खोल देता हूँ कि वो यही है कि जब आप ख्वाब की हालत में होते हैं, चल फिर भी रहे होते हैं, आज आप सारा मंजर तो देख रहे होते हैं, जिस्म भी देख रहे होते हैं, मंजर भी, लेकिन असल में आपका जिस्म तो यहीं पड़ा होता है। तो इसीलिए जिसने अपने नफ्स को पहचाना, जब आप खुदा को जिस्म देने लगते हैं ना, तो इसलिए वो ख्वाब के जरिए देख रहे हैं कि आपको समझाया गया कि आप जैसे उसको मुजस्म करना चाहते हैं, कि आप जब बात करते हैं तो आपके जहन में एक वो आता है कि कोई है जो ऊपर है, इसीलिए आप लोग ऊपर मुंह उठाते हैं। हालांकि उसकी भी हकीकत खोलूंगा, मुंह आप इसलिए नहीं ऊपर उठाते कि खुदा ऊपर है तो फिर नीचे नहीं है, या हर जगह का अकीदा या किस तरीके से आप उसको बयान करते हैं, क्योंकि खुदा की सिफत बुलंदी से है और हम उसकी सिफत से मांगते हैं, ये उसकी खास सिफत है बुलंदी, हम उससे मांगते हैं ना कि खुदा ऊपर है फिर दोषा रख के भी करीब है फिर नहीं है यूं करके मांगे। तो इसी तरीके से ये जो अमूमन लोग ऊपर करते थे उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता, इस कॉन्सेप्ट के पीछे है कि खुदा की सिफत बुलंदी से है और वो बुलंदियों से मशरूत है, इसलिए हम उसकी इस सिफत से मांगते हैं, ना कि हम ऊपर खुदा को देखते हैं कि खुदा ऊपर है। दूसरी बात यह है कि ये जो कॉन्सेप्ट की बात हुई कि जब आपने अपने खुदा को दिमाग में 24 घंटे अपना बॉस मान लिया, अब आप चिमटते हैं ना जब उसकी लड़ लग के, तो फिर यकीन करें कि उसका जो चार मैं ना वो वापस भी आपको खाली बताया जाता है ना आपको, लेकिन बस एक जैसे कहते हैं ना उसका खौफ, उसकी हुक्म का खौफ उसमें, जैसे कहते हैं वो जिसने खुदा के सामने जो खड़ा होने से डरा उसके लिए दो जनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियाद है। अब आ जाए कि बुनियादी तौर पे सबसे पहले तो मैं आज आपको बताऊं कि आजकल की जो इस टाइम के हालात है, किसी भी वजीफे से पहले आपका इन सारे स्टेप्स को पार करना, और फिर अब आपका दुआए काब का जो मेरी रिकॉर्डिंग में भी है, जिनको शुरू में प्रॉब्लम्स हो पढ़ने में या रुकावट हो बीमारियों घर में, वो तो इसको रिकॉर्डिंग को लगाएं और फिर मेरे साथ साथ शुरू करें और 40 दिन पूरे करें, इसके 70 बार सुबह 70 बार शाम दुआए काब की कसरत, पहले तो अपनी हिफाजती शिविर में आए ना, फिजिकली फिटनेस में आए। अब जब आपकी, मैं समझता हूँ कि ये फिटनेस बराबर हो जाए, तब आपको जो है एक, मतलब रेगुलर, मैं पहले स्टैंडर्ड पैकेज दे दूं, 100 दफा दुरूद शरीफ,
आपकी मर्जी, आप बड़ा पढ़ लें, वैसे उसको जरूरी है कि आप छोटा पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूब अलैही, या अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ज़ुल जलाल वल इकराम व तूब अलैही। ये अस्तगफार कर लें तो इसमें इस्मे आज़म ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, और इस्मे आज़म पर भी किसी दिन बात करते हैं, डिटेल से कई वीडियोज़ में कर भी चुका हूँ। उसके बाद जो ये आपकी अस्तगफार के बाद फिर ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, अब इसकी वजूहात भी मैं खोल देता हूँ आज। दरूद अल्लाह ताला का अमल, उसके फरिश्तों का अमल और आपको भी होगा, इसलिए ये वो अमल जो वाहिद खुदा की सुन्नत जिस पे आप अमल करते हैं। अब खुदा और उसके फरिश्ते लामहदूद, तो पढ़ने की भी कोई तो वो मसला नहीं है, जितना मर्जी पढ़ें, जितनी मर्जी कसरत कर लें, इसके लिए 10 लोग 100 लोग 1000 या अकेला या सुबह शाम कोई कैद नहीं। उसके बाद जो अस्तगफार है वो मगफरत है, 70 बार मांगना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से साबित है, और आप हमें तो ज़्यादा ज़रूरत है कि खुदा हमें बचाए गुनाहों से, क्योंकि हम तो सारा दिन चौड़े हुए फिरते हैं, बाजारों में दंगलाते फिरते हैं, माल लेन देन मामला इतने बिखेरे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं कि कब हमसे गुनाह सरजद हो। तो हमें मगफरत की चादर में पहले आना है, और एक बात इसमें भी किसी दिन डिटेल टॉपिक करेंगे कि अस्तगफार की हकीकत, और इस पर मुझे लगता है ज़्यादा हमें इस पर बात करनी है कि ये कोई गुनाह की तौबा नहीं है। किसी को मैंने अमूमन कई दफ़ा अस्तगफार कहा ना तो वो फौरन कहता है हमने ऐसे कौन से गुनाह कर लिए हैं, तो भाई ये आने वाले गुनाहों से बचने के लिए प्रिकॉशनरी मैयर है अस्तगफार, गफूर से मगफरत से पहले ले लेने से। और उसके बाद आपकी जो लहौला वाला कुव्वत है इल्ला बिल्लाह, अब वो है कि नेकी की कुव्वत नहीं मगर परवरदिगार तेरी। पहले आप गुनाहों से बचने का भी उसी से ढाल मांगते हैं, फिर आप नेकी की कुव्वत भी उसी से मांगते हैं। पहले उसका अमल कर लिया जो उसका उसके फरिश्तों का है और बड़ा जैसे कहते हैं उसको पसंदीदा अमल है खुदा, उसके बाद आप उससे गुनाहों की मगफरत मांगते हैं, फिर नेकी की कुव्वत मांगते हैं। अब ये 3 आपने पूरे कर लिए, इसके बाद अब अगले स्टेप पे आता है कि वही जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि उसकी शरायत में जो हम पहले सारी शरायत बता चुके हैं, अब आपकी ये तस्बीह हो गई, तो अब आप ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन, ये खाना काबा के ऊपर लिखा हुआ, इसकी भी 101 ऐड कर लें अपने उसमें। अब जब ये आपकी बुनियादी, ये किसी भी एक नमाज में इनको, किसी एक नमाज में इनको डेली की रूटीन बना लें, और 2 नफर बीबी फातिमा तुज़ज़ारा को हदिया किया करें। ये इसलिए है गरीब से गरीब आदमी भी ये करके फीस अदा करेगा, क्योंकि सूरत शोरा की आयत नंबर 23 में है जिसमें अजर रिसालत में कुर्बत मांगी गई है कराबत की, लेकिन वो कुर्बा का जो वर्ड है वो अरबिक दान इधर देख रहे होंगे खोलें कि वो वाहिद मुअन्नस का सीगा है, वो जमा का भी नहीं है। तो कुर्बा में सिर्फ बीबी फातिमा तुज़ज़ारा की वो जो ज़्यादा क्यास है मिलता है, क्योंकि आप और जन्नत की औरतों के सरदार हैं। तो इसलिए अगर ये 2 नफल, और बड़े बुजुर्गान का भी मैंने ऑब्जर्व किया, जिस बंदे को भी मैंने ये 2 नफल देखे हैं जिंदगी में, उसको मैंने जैसे कहते हैं ना बस जमीन पे नहीं देखा, फिर उसको बुलंदियाँ ही हैं, मतलब वो अगर बाकी ये मामलात में ठीक हो और ये 2 नफल अदा करे तो उसको कभी भी रिस्क और उसकी तंगी का सामना नहीं करना पड़ा। तो अब अव्वल वक्त की नमाज, अस्तगफार, ये हो गया एक पूरा पैकेज जिसमें रिस्क आ गया। अब आप चाह रहे हैं कि आप रूहानी तौर पे भी कोई वो एक्सेल करें, तो ये अब आप लोगों का बुनियादी मैं समझता हूँ पैकेज है, जिसके तहत अगर आप लोग काम करेंगे, मतलब ये जिस्म की सफाई से लेके खुशबुओं का लगाना और ये जो वज़ाइफ़ बताएं, इनसे कम अज़ कम आपकी बुनियादी जो ज़िंदगी है वो ट्रैक पे आ जाएगी, और ज़िंदगी के डिले ताखीरें और नहूसतें वो ख़त्म हो जाएंगी, बरकत का सिलसिला शुरू होगा, रिज़्क़ खुल जाएगा, और आप बीमारियां और शैतान की उन सब से महफूज होकर एक खुश व खुर्रम नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आएंगे। उसके बाद अब हम नेक्स्ट उसमें आपको दूसरे एक एक टॉपिक वाइज शादी से लेके और एक जो जो आप क्वेश्चन करते जाएंगे हम उनके अलग-अलग से वज़ाइफ एक दफ़ा अपलोड कर देंगे, और फिर दुआएँ भी जैसे दुआए काब का बताएं जितने लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, मतलब उन पर क्या असरात हो रहे हैं, दूसरे लोगों को रागिब करें, शेयर करें, ताकि सदका जारी है। पता नहीं कितने फंसे हुए लोग मुसलमान दुनिया में कहीं भी, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियों का सबब बनाए हमें, आमीन। और इस सिलसिले को आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं आगे बढ़ाना है, इसी तरह हम जैसे वज़ाइफ़ पे कर रहे हैं, एक डेली का ब्लॉग चल रहा है जिसमें हम
तीन हिस्से कवर करते हैं। अब एक हम आगे एस्ट्रोलॉजी पे भी शुरू करेंगे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कि मेरी इतनी आपको पता है कि टाइट शेड्यूल है, मैं इतनी ज़्यादा नहीं कर सकती, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों की मतलब दुआओं और जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सब अपना ख्याल रखें, पर अल्लाह ताला दुआ है कि आप सबको, हम सबको पूरी दुनिया में जितने भी जहाँ भी जितने भी मुसलमान हैं, दूसरे गैर मजाहब सबको शदात मजबूत के फिर से महफूज करें।